सरकार ने मदरसों की कहा है नहीं है, कि 47 के बाद की सजाएं हैं वो जो मिले। अब क्योंकि हैं तो हैं, अब वो सजा तो भुगतेंगे, क्यों नहीं गए हमारे पूर्वज पाकिस्तान। राज्यसभा सांसद, यूपी के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को अब पाकिस्तान की याद आ रही है। वो पूर्वजों का हवाला देकर पाकिस्तान न जाने का अफसोस जता रहे हैं। 1947 के बंटवारे की दुहाई देकर गांधी, नेहरू, पटेल से सवाल कर रहे हैं। आजम खान ने विक्टिम कार्ड मॉब लिंचिंग के बहाने चला, लेकिन इसे उनकी जमीन के मामले से जोड़ा जा रहा है। योगी सरकार ने आजम के जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को कब्जाने के आरोप पर जांच क्या खोली, आजम को अपने पीड़ित मुसलमान होने का गम सताने लगा। मदरसों की नहीं है, 47 के बाद की सजाएं हैं, वो जो मिले। अब क्योंकि हैं तो हैं, अब वो सजा तो भुगतेंगे, क्यों नहीं गए हमारे पूर्वज पाकिस्तान। उन्होंने अपना इसे वतन जाना, अब उसकी सजा आप जो भी मिलेगी सहेंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अब मदरसों में NCC और स्काउट गाइड जैसे भी जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मैंने कहा ना, 47 के बाद जो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं और सब, 47 के बाद की सजा। आजम ने मुस्लिम कार्ड चला तो चौतरफा हमला भी शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री से लेकर उलेमा तक उन पर टूट पड़े। ये निहायत गलत है, मैं ऐसे बयान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ये हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ रही हैं और हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। यहाँ की हिंदुस्तान की आज़ादी में बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आजम खान ने कहा है कि मुसलमानों को पाकिस्तान में जाने की सजा दी जा रही है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रहा है देश में। मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों का कुख्यात पैदाइश है। ये जो मुसलमानों की स्थिति है वो इन जैसे नेताओं के ही वजह से है। देश में मुसलमानों के उत्थान के लिए सभी पार्टियों ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने उन्हें ठगने का काम किया, उसमें से आजम खान साहब भी है। आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। किसानों की शिकायत पर उनके खिलाफ 3-3 FIR की गई। किसान भी खुलकर सामने आ गए, वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। खाना चक्कर नसीब ना हुआ, पानी चक्कर नसीब ना हुआ, आजम खान ने निकाल दिया घर में से। आजम खान ने जबरदस्ती के साथ में जैसे जमीन तोड़ी है, हमें वैसे जमीन हमें हाथ जोड़ कर आजम खान वापसी दे दे हमें गरीबों को। हम बड़े परेशान है, बहुत परेशान है। आजम खान ने आन के और रात को तो वो लगा दिया कि खाली कर दो इस जगह को, और 3 बजे हमारे सब लड़कों वड़कों को ले गए और आले हसन दरोगा वो आन के हमें धोस देवे करे। पहली बार आजम खान अपने ही गढ़ में घिर गए हैं। किसानों के साथ साथ यतीम और बेघर मुस्लिम महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आजम का मुस्लिम और विक्टिम कार्ड कितना चलता है, ये देखने की बात होगी।